सोनभद्र के दुधी कोतवाली क्षेत्र के पीपरडीह गांव में बुधवार की रात नदियों से अवैध खनन की शिकायत पर फॉरेस्ट के वन दरोगा सत्य प्रकाश निराला तथा वन रक्षक कन्हैया लाल रात्रि में गश्त कर रहे थे कि बुधवार की रात करीब 2 बजे पीपरडीह कन्हर नदी से ट्रैक्टर के द्वारा अवैध खनन कर परिवहन किया जा रहा था कि फॉरेस्ट के वन कर्मचारियों ने बालू लदे ट्रैक्टर को देखकर रुकवा लिया, लेकिन फॉरेस्ट के अधिकारियों को देखकर ट्रैक्टर चालक और तेज रफ्तार में ट्रैक्टर को भगाने लगा। आगे चलकर कीचड़ नुमा रास्ते में ट्रैक्टर के फंस जाने से ट्रैक्टर फंस गया। इतने पर वन विभाग के अधिकारियों ने गाड़ी चालक व अन्य लोगों से बालू परिवहन का कागजात मांगा तो कागजात न दिखाते हुए वन अधिकारी पर मारपीट गाली गलौज करने पर उतारू हो गए। इसी बीच झगड़ा होने लगा। उसके कुछ देर बाद ट्रैक्टर पर सवार लोग ट्रैक्टर खड़ा कर भाग खड़े हुए। फॉरेस्ट के अधिकारी ने बालू लदे ट्रैक्टर को अपने कब्जे में लेकर दुधी रेंज में खड़ा कर दिया है। वन दरोगा सत्य प्रकाश निराला के तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने शेर खान पुत्र बिस्मिल्ला शमशेर पुत्र शोभराती दोनों निवासी मलदेवा तथा 2 अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी।